गलती से ना नीचे अंदर ही आ गए शमशान घाट के, और हमें जाना था ऊपर वाले रोड पे। ये 5-6 लड़कों का गैंग ना हमें देख के आ गया, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो गाइज, राखी गई है अकेले वहाँ देखने के लिए पीछे से कि उधर से रास्ता है अंदर जाने का, क्योंकि इन्होंने पूरी ये बाउंड्री वॉल की हुई है अंदर जाने के लिए रास्ता, और गाड़ी चलते हुए नॉर्मली चिताएं ना जलती दिखाई दे, तो इसलिए ये वॉल क्रिएट की हुई है। हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम दीप्ति है। आज मैं आपको एक ऐसी हॉन्टेड जगह लेके जाऊंगी जिसकी आपने थाउजेंड्स ऑफ वीडियो इंटरनेट पर देखी है। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं बच्चों के शमशान घाट में, और इस एरिया से हम बहुत ज्यादा वाकिफ हैं क्योंकि ये शमशान घाट जस्ट बिहाइंड है हमारे स्कूल के। तो 12 साल हमने उस स्कूल में निकाले हैं, तो मुझे नहीं लगता उस लोकेशन को हमसे अच्छा कोई जानता होगा। तो सेम ही स्कूल से हमने स्कूलिंग की है। इसका एक रास्ता यहाँ से जाता है, पर इस वाले रास्ते से हम नहीं आपको लेके जाएंगे। तो ये है निरंकारी कॉलोनी की कैंटीन, जहाँ हम स्कूल से पैसे बचा के खाने के लिए आया करते थे। और अभी है ये निरंकारी सत्संग भवन है, और ये वाला रोड जो है सीधा जा रहा है हमारे स्कूल की तरफ। ये है हमारा स्कूल। अब मैं गाड़ी थोड़ा साइड में लगा लेती हूँ। 1993-94 में हम इस स्कूल में आए थे, और 2004 में हमारी 12वीं कंप्लीट हुई थी। एक बार भी फेल नहीं हुए हम दोनों वो अलग बात है, ईयर में कंप्लीट कर लिया वो एक अलग बात है कि 33% मार्क्स ही आते थे मेरे नहीं, मेरे तो रहने दे झूठ मत बोल, वैसे भी बहुत अच्छी रहती थी स्टडी में। थैंक यू। तो अभी यहाँ पर ना दो शिफ्ट होती है, एक गर्ल्स की और एक बॉयज की। बेसिकली ये सरकारी स्कूल है, ठीक है। अब इसका ही एक आगे प्राइवेट स्कूल है, वो भी मैं आपको चलते हुए दिखा दूंगी। तो हमने जो पढ़ाई की है वो सरकारी से की है, और इसकी बैक साइड में ही शमशान घाट है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा घुमा के वहां शमशान घाट तक लेकर चलती हूँ। पूरी तरह से सरकारी नहीं था ये भी बता देते हैं। बेसिकली ये क्या है कि निरंकारी जो मिशन उसका अंडरटेकिंग है, लेकिन टीचर्स गवर्नमेंट थे, मैनेजमेंट जो है निरंकारी भवन वालों का। फीस भी सरकारी जैसी थी यार, ऐसे हाँ। नहीं, फीस बिल्कुल सरकारी थी। फीस सरकारी जैसी थी, बट फैसिलिटीज जो होता है ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल में सब लोगों को मिलती है, वो हमें बहुत नहीं मिलती थी। हाँ। वो हमें नहीं, और वैसे ना एक्चुअली देखा जाए तो लाइक एक प्राइवेट स्कूल की तरह था मैनेजमेंट सिस्टम, एजुकेशन वो बहुत अच्छी थी। अगर हम देखें ना तो हमारे सारे बैच के जो बच्चे हैं, मेरे कॉमर्स और इसका आर्ट्स था, सब अच्छे लेवल पर सेटल है, और सब अच्छे घरों के ही बच्चे आते थे यहाँ पर। तो फिलहाल अब आगे चलते हैं। सो गाइज, ये सरकारी स्कूल वाले का गेट है, उसके दो गेट थे, वो एंट्री गेट है, और ये कभी कभी ये बाहर छुट्टी के टाइम खोल देते थे ये वाला गेट। ये प्राइवेट स्कूल है, संत निरंकारी पब्लिक स्कूल। भाई गाड़ी चलाते चलाते बना रही हूँ। जब हम बैक साइड जाएंगे तो देखोगे इधर से हम आए हैं, उधर गांधी विहार है, और फिर हमारा रिंग रोड आ जाता है। तो अब मैं आपको अंदर लेके चल रही हूँ। जब हम उधर से आए थे तो पहले हमको सरकारी पड़ा था और उसके बाद प्राइवेट है, बट अब हम बैक साइड से आ रहे हैं तो पहले हमको प्राइवेट पड़ेगा, फिर हमारा स्कूल पड़ेगा। सो गाइज, वैसे मैं आपको दिखाऊं आगे और पीछे से, तो ये रोड ना थोड़ा अनसेफ है, यहाँ लड़कियां तो बहुत दूर की बात है, आपको बंदे भी नहीं दिखाई देंगे। मैं इसके साथ एक बंदी आई हुई हूँ यार, हम दोनों ही आए हैं ना इसलिए, और आज हम डरावनी जगह वैसे तो है ही है, और ऊपर से हम बता के भी नहीं आए अपने घर से, है ना। हाँ, नहीं तो जूते पड़ते हैं शमशान घाट जा रहे हैं, और जबकि जनरली हमारे हिंदू समाज में शमशान घाट में लड़कियां नहीं जाती, अलाउड नहीं है। वैसे हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम किसी भी रूल को ब्रेक नहीं कर सकते हिंदुइज्म के। अच्छा, ये वाला जो अब स्कूल आ गया आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड मैं ऐसे दिखाती हूँ। ये देखो, ये स्कूल है, ये प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग है। रास्ते ब्लॉक हो जाते थे समागम के चलते या किसी और कारणवश, तो ये वाले रोड से ना वैन वाले हमको छुप छुपा के ले जाते थे। देखो, हर शमशान घाट में आपको मंदिर भी दिखाई देगा, तो ये मंदिर है और यहाँ पे लिखा हुआ है मोक्ष द्वार। और अब थोड़ा और आगे लेके चलती हूँ आपको, अंदर जाना। हाँ, वापस ही चलते ना शमशान घाट दिखाएंगे, गाड़ी तो बाहर लगाते हैं, अंदर नहीं जाएंगे हम शमशान घाट के। ये है ना शमशान घाट, है ना। हाँ। अच्छा, ये किसी की डेथ वर्थ हुई होगी इसीलिए आए हुए हैं ये लोग, है ना। हम गलत आ गए हैं राखी, मुझे भी लग रहा है हम ऊपर वाले रास्ते पे जा रहे हैं। एक्चुअली अभी क्या हुआ है ना, मेरे पीछे आपको बहुत भीड़ दिखाई दे रही होगी, तो हम गलती से ना नीचे अंदर ही आ गए शमशान घाट के, और हमें जाना था ऊपर वाले रोड पे, तो सारे लोग देख रहे हैं। मैं बोल रही राखी अभी हम आए थे तो भीड़ नहीं थी, और ये सारे लोग हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं, और मैं अंदर लिए जा रही हूँ, ये भी मुझे बता नहीं रही, कह रही अंदर चलेगी क्या। मैंने कहा नहीं नहीं यार अंदर नहीं जाएंगे, और अब पता चला हम शमशान घाट के अंदर ही चले गए आज। यार शिट,
तो ये जो सारी बाउंड्री वॉल है, ये इधर शमशान घाट है। इनफैक्ट किसी का अंतिम संस्कार करने के लिए वो लोग आए थे, तो इसलिए भीड़ लगी हुई थी। सो गाइज, राखी गई है अकेले वहां देखने के लिए पीछे से कि उधर से रास्ता है अंदर जाने का, क्योंकि इन्होंने पूरी ये बाउंड्री वॉल की हुई है अंदर जाने के लिए रास्ता। और गाड़ी चलते हुए नॉर्मली चिताएं ना जलती दिखाई दे, तो इसलिए ये वॉल क्रिएट की हुई है। सो गाइज, ये अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये स्कूल का प्राइमरी सेक्शन था। हाँ, प्राइमरी सेक्शन था, है ना। तो ये हॉल था बेसिकली, और इसके ना जो गेट्स है ना बंद कर दिए जाते थे। अब बहुत टाइम बाद आए हैं, 2004 में हमने 12th की थी, इतने साल बाद तो स्कूल का नक्शा कलर वलर सब चेंज हो चुके हैं। और टीचर्स ना यहाँ की तरफ आने नहीं देती थी कॉरिडोर में, क्योंकि जनरली चिताएँ विताएँ जलती रहती थी। और बचपन में ये सब चीज़ें ना तो पेरेंट्स दिखाएंगे ना आपको टीचर देखने के लिए कभी अलाउड करेंगे। और पता है इतना क्रेज होता था हमें कि ऐसा क्या है, और बालकनी पीछे होती थी ना तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार दूर कहीं खेलने जाएंगे, इससे अच्छा पीछे बालकनी में खेल ले, लेकिन जाने ही नहीं देते थे। और जब बिल्कुल कॉर्नर में हमारा सेक्शन आया था ना 5th क्लास में, बिल्कुल लास्ट में, तब जाके हमें 3 साल बाद मतलब पता चला कि भाई यहाँ पे शमशान घाट है, इसलिए टीचर्स नहीं जाने देते थे। उल्टा फिर ना हम लोग देखते भी थे चिताएं, जैसे जब आग लगती थी दूर से धुआं दिखाई देता था तो हमको, हम ऐसे बोलते थे आज कोई और फिर मर गया, फिर कोई मर गया। यार स्कूल में इतना ही दिमाग होता है। फिलहाल आपको अभी ये वाला ग्राउंड दिखा देती हूँ जहाँ पर हमको वो क्या होता था, वो जो लोहे का एक बड़ा सा गोला दे देते थे। अच्छा, वो हाँ, तंबोला टाइप से जो ऐसे करके नहीं, उसका नाम होता था, एक बड़ा 5 kg का गोला, 10 kg का गोला, तो वो हमको इस ग्राउंड में लेके आया जाता था और यहाँ खिलाते थे। आज मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको। और यहाँ पे हम से रेस भी यहीं पर लगवाई जाती थी, रेस भी यहीं पर ही होती थी, क्योंकि ये अलग ही बड़ा ग्राउंड था एक्चुअली। अगर स्कूल वालों ने देख लिया तो बहुत मारेंगे। ये देखो, मतलब हमारे है क्या कोई, हमारे स्कूल का तो एक अलग ग्राउंड था ही था, ये दूसरा ग्राउंड था। ये जो हमारा हॉल है ना, पहले शमशान घाट ना आई गेस उस पोर्शन में हुआ करता था जिसको अभी बंद किया हुआ है, और ये थोड़ा शिफ्ट हुआ है शमशान घाट, क्योंकि आई एम श्योर जब हम ऊपर से देखते थे तो हमको चिताएं सामने जलती हुई दिखाई देती थी, पर ये काफ़ी ज़्यादा आगे हो गया और उसे पूरी एक बाउंड्री से कवर कर दिया गया है। मतलब आज मुझे वही दिन याद आ रहे हैं, किस तरह हम इस हॉल में आया करते थे, किस तरह हमें टीचर्स रोकती थी, किस तरह हम इस कॉरिडोर में, बचपन में ऐसा होता है ना, मना करते हैं जिस काम के लिए वही करने का मन करता है, तो एक उत्सुकता होती थी कि यार यहाँ जाके देखें अब चिता जल रही होगी। थोड़ा ना आगे चलती हूँ मैं, है ना, और यहाँ से मुझे रास्ता मिल गया। वैसे तो सारे में झाड़ियाँ लगा रखी हैं और यहाँ कुछ जलाया भी हुआ है, जहाँ जहाँ ये पत्थर है ना, और यहाँ पर ना धूपबत्ती भी जल रही है। ये देखो, उधर आपको अंदर आदमी भी दिखाई दे जाएंगे। और ये जितने भी पत्थर हैं तो ये सारे पत्थर कब्रों के ऊपर रखे हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये जूम ज़्यादा ही कर लिया मैंने, ये एक इधर है, एक इधर है, एक उधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक उधर, उधर उधर, ऐसे जो पत्थर हैं वो सब कब्रें हैं। अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो कि छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं बच्चों की। हिंदुओं में ऐसा होता है कि 12 साल तक के बच्चों को ना जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है। और ये वाली जो कब्र है इस पर तो बिल्कुल धूपबत्ती जल रही है, तो ऐसा लगता है कि हाल ही में कोई बच्चा मरा है। और जो एक हमारी रस्में होती हैं मरने के बाद की, तो उसको लेकर यहाँ धूपबत्ती वगैरह जलाई हुई है, और जो बच्चा फेवरेट फूड वो खाता था वो उसके ऊपर रखा हुआ है। खैर, बहुत दुख सा लगता है यार, मतलब ये वर्डी कितना पेनफुल सा है, बच्चों का शमशान घाट, बच्चों का कब्रिस्तान। खैर, भगवान किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा ना करे। तो बेसिकली इसकी स्टोरी यह है कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रात को बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। और दिन का व्लॉग इसलिए बनाया है ताकि हम दोबारा से इस जगह को अच्छे से देख सकें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम यहाँ का नाइट व्लॉग बनाएं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और पत्थरों को इसलिए रखा हुआ है हर कब्र के ऊपर ताकि कोई भी जानवर मांस की खुशबू सूंघकर कब्र से बाहर ना निकाल सके। तो बहुत भारी भारी पत्थर, कुछ आवाज़ सी आ रही थी ना, मैं भी डर गई। तो बहुत भारी भारी पत्थर जो हैं उन कब्रों के ऊपर रख दिए हैं। तो फिलहाल दिन के व्लॉग में मैं आपको इतना ही दिखा सकती थी, और अब चलते हैं।